गणेश सिंह 2014 में नारायण त्रिपाठी की कृपा के कारण चुनाव जीते थे, मेरे कारण चुनाव जीते थे। नमस्कार, एंटीक वायरल के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा चुनाव कहां लड़ा जा रहा है? हम बताते हैं। प्रदेश का सबसे महंगा चुनाव आपके पड़ोस की लोकसभा सतना में लड़ा जा रहा है। आपको यह जानकर हैरानी हुई होगी, लेकिन ये सच है। चुनाव तभी महंगे होते हैं जब किसी की प्रतिष्ठा, किसी की इज्जत दांव पर लग जाए, और सतना में कुछ ऐसा ही हो रहा है। चुनाव के लिए मुकर्रर 26 तारीख से पहले आइए एक बार फिर सतना की ओर चलते हैं और जानते हैं कि यहां का चुनाव सबसे महंगा कैसे हो गया। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति को सतना में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर गणेश पटेल को उतारने की राय देने वाले प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला हैं। अब हालत यह है कि उम्मीदवार गणेश पटेल के साथ साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की भी इज्जत दांव पर लग गई। गणेश हारे तो राजेंद्र कमजोर हो जाएंगे, और यदि गणेश जीते तो सतना का सवर्ण समाज कमजोर हो जाएगा, जो पिछले 20 साल से गणेश की जातिवादी राजनीति को झेल रहा है। रीवा में राजेंद्र ब्राह्मण समाज के नेता माने जाते हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि क्या सतना वाले ब्राह्मण भी राजेंद्र को अपना नेता मानते हैं। इतना तो तय है कि उन्हें अपनी राजनीति चमकाने के लिए यदि सतना के ब्राह्मणों को परेशान करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे, और इस समय राजेंद्र वही कर रहे हैं। डिप्टी सीएम लगातार सतना के दौरे पर हैं, वो आए दिन वहाँ ब्राह्मण समाज की बैठकें आयोजित कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि सवर्ण समाज गणेश पटेल से नाराज है। इसकी वानगी आप विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में गणेश कैसे हारे। तो राजेंद्र सतना के ब्राह्मणों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए साम दाम का उपयोग करते दिख रहे हैं। कोई समझाने से मान जाए तो ठीक, वरना दाम से भी खरीदने की तैयारी। मनीष तिवारी नाम के एक कांग्रेसी नेता हाल ही में सामदाम के चक्कर में फंसे और बीजेपी में शामिल हो गए। मैहर में ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया गया ताकि ब्राह्मणों को बीजेपी में वोट कराया जाए। तो ये सब सुनकर आप बीजेपी की मंशा तो समझ गए होंगे। बीजेपी चाहती है कि थोड़े बहुत सवर्ण बीजेपी की तरफ आ जाए तो वोटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा। कुछ वोट बीएसपी प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ले जाएंगे और कुछ वोट बीजेपी में आ जाएंगे। इससे कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा को हराना और भी आसान होगा, जो बीजेपी के लिए इस समय टेंशन बने हुए हैं। मतलब सोचिए कि ब्राह्मण समाज के नेता समाज से खेलने का दुस्साहस कर रहे हैं। नारायण त्रिपाठी तो पहले भी बता चुके हैं कि गणेश पटेल को उन्होंने ही जिताया था। कितनी बेशर्मी से नारायण ये बता रहे हैं, जरा सुनिए। गणेश सिंह 2014 में नारायण त्रिपाठी की कृपा के कारण चुनाव जीते थे, मेरे कारण चुनाव जीते थे। दो दिन के अंदर जहां लाखों वोट से हारना था वहां चुनाव जीते 8000 से, और उस दौरान हर मंच में जाके बोलते थे कि नारायण त्रिपाठी की कृपा के कारण चुनाव जीता, और इसके बाद फिर लगातार वही काम चालू हो गया, मेरे खिलाफ प्लानिंग करना, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करना। तो उनकी भाषा मेरे बर्दाश्त के खिलाफ थी, जो करना वो करते रहे। मैंने अब वो फिर से जिताने के लिए सतना पहुंच गए। इस पूरे खेल में एक सौदा भी हुआ है जिसकी खबर शायद आपको नहीं। सौदा यह है कि गणेश पटेल रीवा के पटेल समाज को बीजेपी में वोट कराएंगे और बदले में राजेंद्र शुक्ला सतना के ब्राह्मण समाज को बीजेपी में वोट कराएंगे। आपने देखा कि रीवा में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की पत्नी को बड़े तामझाम के साथ बीजेपी में शामिल कराया गया, और ये गणेश पटेल के सहारे पर हुआ। डॉक्टर साहब पटेल समाज से आते हैं, तो समाज को बेचने का यह धंधा गंदा है, लेकिन धंधा तो है। हाल ही में बीजेपी नेता धर्मेश चतुर्वेदी की असामयिक मृत्यु के बाद गणेश पटेल के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर जो नंगा नाच किया है उसे आप सबने देखा है। लेकिन सियासतदान धंधे पर उतारू हैं तो आप क्या करेंगे। तो इज्जत बचाने के लिए इस खेल में जमकर पैसा लुटाया जा रहा है। आज इसे खरीदा गया, कल उसे खरीदने की तैयारी है। पहली बार देखा गया कि सड़कों की ठेकेदारी करने वाले नेता
समाज की ठेकेदारी करने लगे हैं। खैर, 4 जून को चुनाव के नतीजे बताएंगे कि सवर्ण समाज ने राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल किया या बीजेपी ने उनका इस्तेमाल कर लिया। तो सतना सीट पर चल रहे सियासी धंधे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।